हवाले से कुछ आपसे सवाल हैं। तो सर यारी में अभी भी बहुत सारी मुश्किल हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि तालीम का जो निज़ाम नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे नौजवान नस्ल जो है वो तालीम बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पा रही। दूसरा बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि बेरोज़गारी, मतलब वहाँ पे जितने भी नौजवान हैं, जितने भी जो है वो नई नस्ल है, वहाँ पे बेरोज़गारी तो बहुत आम है, ठीक। और उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें पानी का प्रॉब्लम है, जिसमें बिजली का प्रॉब्लम है, जिसमें सीवरेज वगैरह का प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो सर अभी हाल ही में आपने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से मीटिंग करी थी और इसी हवाले से आपकी बातचीत वगैरह हुई, तो उन्होंने माजी की तरह वादे ही किए हैं या फिर इन प्रॉब्लम्स पर ज़रा एक्शन लेंगे? नहीं, पिछली मरतबा जो बिलावल हाउस से इस्लामाबाद के अंदर जो मेरी मुलाकात हुई उसके अंदर कोई सियासी इश्यूज़ नहीं थे। वो जो हमारे जूनियर टू के जो साथी थे, 452 लोग उस लड़के जो हमने भर्ती किए थे अनफिट और इसके उसमें, उस पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ लगाया था और वो चला गया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर। तो उसकी मीटिंग होनी थी 23 जुलाई को और हम इस्लामाबाद गए 20 जुलाई को, यानी 3 दिन पहले। तो हमने रिक्वेस्ट की कि वो उसके जो मेम्बरान थे, जिसमें राजा रियाज साहब थे, इनार अब्बानी खर साहिबा थी, इसके अलावा साजिद खान साहब थे और एक और MNA थे, मुझे याद नहीं है, नूर आलम, उसमें कादर पटेल साहब का बहुत बड़ा किरदार था। उन्होंने हमें रिसीव किया, आखिर तक वो हमारे साथ रहे, असम्बली के अंदर भी वो हमारे साथ रहे। बिलावल भुट्टो साहब के साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो उस वक्त भी ये दाऊद खान साहब मेरे साथ थे, कादर पटेल मेरे साथ थे। उन्होंने वादा किया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि डायरेक्टली उन्होंने इनार अब्बानी खर को बिलावल भुट्टो साहब ने वादा किया कि ये मेरे नाना की मिल्कियत है, किसी भी तरीके से हम मैं इसके ऊपर आज आने नहीं दूँगा। वादे तो पहले भी हुए थे, ठीक है, लेकिन पहले भी मतलब इतने वादे बहुत सारे होते हैं लेकिन कोई जो है रिस्पांस नहीं लिया गया, जी बिल्कुल, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अब भी वादे सिर्फ हो रहे हैं? देखें, हम वादों के ऊपर अगर कोई हमसे वादा करता है तो वो अपनी रिपोर्टेशन खराब करेगा। हम जब इंसान हर कुर्बानी के लिए तैयार होता है ना, किसी भी कुर्बानी, जान से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं है। ये मजदूर अपनी जान की कुर्बानी, जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। अगर कोई हमसे झूठा वादा करेगा, कोई भी हो, कोई भी हो, अगर हमसे झूठा वादा करेगा वह तो सिर्फ अपना नुकसान करेगा, हमारा या मजदूरों का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? कि तमाम मजदूरों के साथ हमने मिल कर यह तहिया किया हुआ है कि जिस आँख ने भी KDLB की तरफ बुरी निगाह उठाई, हम उस आँख को फोड़ देंगे। ये हमारी रोज़ी का मसला है, हमारे बच्चों की इज्जत और उसका मसला है। इसके लिए हम हर कुर्बानी, कोई भी कुर्बानी देने से हम दरेक नहीं करेंगे। इसलिए हम वायदों पर कम इंसार करते हैं और अपने मजदूरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अच्छा सर, अभी बल्दियाती इलेक्शन हाल में ही होने वाले हैं, ठीक है, तो KRC किसी दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेगी या खुद अकेले लड़ेगी, या फिर ऐसा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके वो ये इलेक्शन जीतेगी? देखिए, हमने 2018 के अंदर मुनाफिकत नहीं करेंगे, हमने 2018 के अंदर KRC ने पीपल्स पार्टी की हिमायत की थी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। उस वादे वहाँ पर जो हमसे वादे किए गए, अदी फरियाल के साथ बैठी हुई थी बिलावला हाउस के अंदर, अदी के अपने घर पे हम लोग थे, तो वहाँ पर उन्होंने वादे किए थे। वो वादे ज़ाहिर गिव एंड टेक होती है, उनको जीत, जैसे बिलावल साहब को जीतना था तो वो ज़ाहिर है, वो लोग जो 8-9-10 साल जो लियारी के अंदर खून बहा, जो नुकसान हुए, जो घर जलाए गए, जो ज़ख्मी हुए, उनका एक रिएक्शन था और वो रिएक्शन ने काम दिखाया, जिसकी वजह से वो सीट भी चेयरमैन साहब वो हार गए। तो उस वजह से फिर हम भी खामोश रह गए। लेकिन लियारी का असल जो ये इस वक्त जो इशू है ना, वो पानी है। हमें MPA की सीट उन्होंने दी, रिजर्व सीट उन्होंने हमसे दी, लेकिन हमें अफसोस हो रहा है कि मतलब जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए, जिस तरीके से ऊपर से पैसे, सब ऐसी बात नहीं है कि फ़ंड नहीं रिलीज़ हो रहे, फ़ंड भी रिलीज़ हो रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि ये कम्युनिकेशन गैप है तंजीम का, पीपल्स पार्टी के जो MPA हैं यहां पर उनका आपस में कोई ना कोई, या जो कराची डिवीज़न है उनका कोई ना कोई गैप है, जिसकी वजह से ये काम पेंडिंग में जा रहे हैं। तो सर पेंडिंग में क्यों जा रहा है ये काम? अगर कोई ना कोई वजह है तो उसका हल भी तो निकलना चाहिए। हल तो देखें बड़े निकालेंगे ना, हल तो हल हमारा काम है कि कयादत को बताना। कयादत से जब जो अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई कयादत से, तब अभी कोई मेरे ख्याल से 1 महीना पहले, उस वक्त भी मैंने इनसे कहा था कि देखें अगर इस तरीके से काम, जैसे पहले पानी कभी भी, जितनी किल्लत आज लियारी के अंदर है इतनी किल्लत मैंने तारीख के अंदर कभी नहीं देखी। इतनी किल्लत, इतने खर्चे हो रहे हैं, इतनी लाइनें डल रही हैं लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। तो इसके पीछे क्या सियासत है, क्या सियासत नहीं है, मैं आपके तवसुत से, आपके चैनल के तवसुत से, मैं कयादत से ये अपील करूंगा कि पैसा अपनी जगह पे, लेकिन खुद इनको भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं ये पैसे जा कहाँ रहे हैं,
इसके बावजूद भी वहाँ की पब्लिक को कोई रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है, चाहे वो एजुकेशन की मद में हो, चाहे वो हेल्थ की मद में हो, चाहे वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से हो। इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो वो लियारी है। और सर, अगर आप इस तरीके से मुआवजे करेंगे, इस तरीके से उनसे कमिटमेंट करेंगे, तो आपको लगता है कि इस हवाले से कोई वो एक्शन लेंगे? नहीं, हम किसी के जर खरीद गुलाम थोड़ी है, हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं। अगर हमारा काम कोई नहीं करेगा तो हम उसका काम क्यों करें, चाहे वो एनीवे क्यों भी कोई भी क्यों ना हो। हम तो चाहते हैं कि चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई भी हो, हम चाहते हैं, हम इसलिए हमने मेहनत की थी कि हम लियारी की, अपनी आवाम की, अपनी बिरादरी की किस्मत बदली कर सकें। अगर बजाय बदली करने के बजाय अगर हम और पस्ती में जाएंगे और अगर हम नीचे जाएंगे तो मुझे बताएं फिर हमारा, चाहे मैं मेहनत करूँ या नहीं करूँ तो मैं अकेला रह जाऊँगा, मेरी कौम तो मुझे भी ठुकरा देगी। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी कौम को छोड़ूँ या मेरी कौम मुझे छोड़े। सीधी सी बात है ना, गिव एंड टेक के जरिए। अगर हम ये चाहते हैं कि भी हमें कुछ भी, वो जब इलेक्शन आएंगे तो बिरादरियाँ मिलकर फैसला करेंगी, क्योंकि इस वक्त सबसे मजबूत तरीन अगर बिरादरी सिस्टम है तो वो कच्ची कम्युनिटी के, जिसके जमात खाने, जिसकी बसें, जिसके कब्रस्तान, इनकी कमेटियाँ सबकी बनी हुई है। हम उन कमेटियों के साथ बैठेंगे, उन बुजुर्गों के साथ बैठेंगे और हम मिलकर फैसला करेंगे कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में हम अपना किरदार कैसे और किसके लिए। और आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मुआहदे के मुताबिक काम ना होगा जी, तो कच्ची कम्युनिटी खुद ही इलेक्शन लड़ेगी। जाहिर है, सीधी सी बात है ना, हम सीधी सी बात है ना, अगर हमारे काम भी ना हुए, हमने हिमायत भी की, हमारे काम भी ना होंगे, हमें लॉलीपॉप दिया जाएगा, तो मर तो हम पहले भी रहे थे, फिर हम क्यों पीपल्स पार्टी का एजेंडा इस्तेमाल करें अगर वो इस तरीके से हमें इग्नोर करेगी। इस वक्त हमें कादर पटेल भाई सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने किया अल्लाह जानता है या मैं जानता हूं। इस्लामाबाद के अंदर मजदूरों के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया और इस वक्त भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया पसे पर्दा रहकर। मैं आज भी उनको सलाम करता हूँ क्योंकि हम मुनाफिकत नहीं करेंगे, लेकिन मैं कादर भाई से भी बारह मैंने कई बार अर्ज़ किया है और उनकी कैद से जब भी मेरी कादर भाई के साथ मुलाकात हुई है और अभी भी जब मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह मैं यही शिकायत करूँगा जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर बरादरी और इलाके के जो वोटर हैं वो अगर प्यासे और भूखे मर रहे हैं तो फिर हमारी हिमायत करने का कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।